अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन इन सिंपल वेद विद आयशा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कीमा अच्छी तरह से पीस लिया है और अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी। दड़ा मिर्च है 2 टेबल स्पून, पीसी हुई लाल मिर्च और हल्दी, नमक और सूखा धनिया, ये इसमें जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैं डाल दूंगी 2 अदद अंडे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएंगे चने का पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून। अब इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके कोफ्ते बनेंगे। इस तरह आप कोफ्ते बना लें सारे। कीमे को आपने अच्छी तरह से पीसना है ताकि आराम से कोफ्ते बन जाए। अब दूसरी तरफ मैंने प्याज 3 अदद प्याज लिया है, इनको फ्राई करके निकाल लेना है। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, नमक हसबे ज़रूरत, पीसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये दालचीनी, लौंग और इलायची है। ये मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिया है और इन टमाटर और प्याज को मैंने ग्राइंड कर लेना है और ये ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे जो मैंने आपको बताए अभी। अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है और एक यखनी के ऊपर बॉइस में जाएगा, इससे शोरबे का थोड़ा जायका अच्छा बनता है। मसाला बन चुका है। अब इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूंगी जो मैंने बना के रखे हुए थे। मैं इनको फ्राई नहीं कर रही, बस हल्की आंच पे इनको दम पे रखना थोड़ी देर। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी।
ताकि कोफ्ते अच्छे से अंदर से गल जाए और सख्त हो जाए। पाँच मिनट के लिए मैंने रखा हुआ था, अब इसको हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। कोफ्ते सख्त हो चुके हैं, अब वो टूटेंगे नहीं और इनको अच्छी तरह से भून लेना है। और मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको भून लिया था, अब इसमें पानी ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। जी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। अब इनको डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।